गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ईदगाह। प्रेमचंद का साहित्य समाज सुधार, राष्ट्रीय भावना और सामान्य जनजीवन के अभावों और क्रियाकलापों से पूर्ण परिपूर्ण है। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने बाल मनोविज्ञान के बड़े भाव प्रधान रूप में चित्रित किया गया है किए हैं। कहानी के प्रमुख पात्र हमीद का अपनी दादी के प्रति प्रेम तथा दादी अमीना का पोता प्रति बालस्य प्रेम दर्शाया गया है। क्या है, प्रेमचंद जो थे वो क्या थे, वो समाज को कैसे सुधारे, समाज में कैसे जनजीवन रहते हैं, उनका अभाव क्रियाकलाप सब उसके बारे में वो बताना चाहते हैं। इस कविता में क्या है, बालो मनोविज्ञान मतलब बच्चों का मन कैसा होता है उसके बारे में बताया गया। बच्चों को बड़ों के प्रति कैसा प्रेम होता है उसके बारे में बताया गया है। रमजान के पूरे 30 रोजा के बाद आई ईद आ गई। रमजान जो होता है उसके बाद जो रोज़ा करते हैं, जो मुसलमान लोग होते हैं जो रोज़ा करते हैं, रमज़ान के पूरे 30 दिन बाद क्या आती है, ईद आती है। गांव में कितनी हलचल है, गांव में बहुत हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ती के में बटन नहीं है, किसी के सुई धागा लेना दौड़े जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, बहुत तेज़ी से घर भाग जा रहा है। लोग जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे रहे हैं। सब लड़के सब ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबें और कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे, मैनिस के बाद 15 पैसे, इतने इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न हमीद, वह 4-5 साल के गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसके बाप गत वर्ष हेज में की भेंट चढ़ गए और माँ ने ना जाने क्या पी ली होती एक दिन मर गई। अब हमीद अपने बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। उसके अब्बा रुपए कमाने गए हैं, अम्मी जान अल्लाह के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। वे आएंगे तो सारे अरमान निकाल लेना। देखो क्या हुआ है, ईदगाह का समय है, ईद का समय है, सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। कोई किसी का कुर्ते का बटन नहीं लग रहा है तो कोई कुर्ते बटन सिलाने के लिए सुई धागा लेने जा रहा है, किसी के जूते अकड़ गए हैं तो उसके लिए घर से तेज़ी से दौड़ रहा है, कोई गाय बेल होते हैं उसको जल्दी खाना पानी दे तो ईद जा पाए उसके लिए बहुत तैयारी कर रहा है। सबसे ज़्यादा प्रसन्न तो छोटे बच्चे हो रहे हैं, उनके जेब में जैसे कुबेर का भंडार आ गया, जो कुछ पैसे देखकर वो सोच रहे हैं कि मेरे जेब में कुबेर का भंडार आ गया है, ऐसा सोच रहे हैं। महमूद के पास कितने पैसे, 12 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे, इसमें से वो तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं इतने पैसे में। उस टाइम में पैसे जो थे बहुत थे तो क्या क्या खरीद सकते हैं उस पैसों से, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने बहुत सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा प्रसन्न तो हमीद है सबसे ज़्यादा प्रसन्न। वो 4-5 साल का एक लड़का है जो गरीब है। वो किसके साथ रहता है, अपनी दादी के साथ। उसके पापा 1 साल पहले चले गए और माँ ने ना जाने क्या खा लिया जो
वो एक दिन चल बसी, तो उसकी दादी उसको पालती है, वो अपने दादी के साथ सोता है। जब भी वो अम्मा बाबा के बारे में पूछता है हमीद, तो उसकी दादी क्या बोलती है, तुम्हारे अब्बा काम करने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह के पास गई है जो अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी, ऐसा बोल के उसको कहते हैं। और जब वो आएंगे अपने सारे अरमान पूरे कर लेना बोल के वो बोलती है।